अपन डीमेट अकाउंट कैसे खुलाएं? अब ये मेन चीज यही है, हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। भाई साहब, डीमेट अकाउंट ही नहीं है तुम क्या ही करोगे? तो अब सबसे पहली शपथ खानी है क्या, ए टू फैमिली में आज जो भी देख रहा है कुछ नहीं लगता, कई जगह फ्री में डीमेट अकाउंट खुलती है यार। फ्री की चीज भी नहीं खुलाओगे तो क्या ही करोगे? मत करना ट्रेडिंग, डीमेट अकाउंट तो खुला के रख लो, कल को मालूम पड़े कि शेयर मार्केट गिरा फटाफट से खरीद लो, तो मतलब हमारे तो डीमेट अकाउंट ही नहीं है सर। अरे बबुआ, शर्म की बात। अगर जिसके पास नॉर्मल अकाउंट है, समझ लो जिसके पास नॉर्मल अकाउंट है, जो पैन कार्ड है, जाओ डीमेट अकाउंट खुलाओ, 100-200 रुपए में कुछ नहीं जाता। शर्म करो, डीमेट अकाउंट नहीं है तो सच बता रहा हूं। जीरोधा एक कंपनी है, मेरे जीरोधा में भी है, अपस्टॉक्स में भी है, और हमारी फैमिली में एंजल्स में भी है। ये आजकल तो ऑनलाइन बड़ा आसानी से खुल जाता है। जीरोधा ने 500 रुपए लिए थे, 500 रुपए में अकाउंट खोला है। हाँ, तो 500 रुपए भी नहीं देने आपको। अपस्टॉक्स में आपको शायद 200 रुपए में खुल जाता है, एंजल्स वाले तो 0 रुपए में खोल देता है। जाओ खुला, अकाउंट ही नहीं है मतलब क्या ही करोगे? क्या चाहिए उसके लिए आपका? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, 3 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। डीमेट अकाउंट कैसे खोलोगे जरा मैं बता देता हूँ, हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, शेयर वेयर तो बात की बात है, जाओ ओपन करो पहले। आप जिस भी को भी सिलेक्ट करते हो, मान लो जीरोधा करते हो, अपस्टॉक करते हो, एंजल करते हो, और बहुत सारे आगे बहुत अच्छी कौन सी, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो उसकी वेब ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप यस, अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो उसकी, या उसकी वेबसाइट पे जाओ और अपने आप को रजिस्टर करो। वो क्या पूछेगा आपसे, नाम क्या है आपका, पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये तो पूछेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भरते रहना। तुम्हें पता है फॉर्म कैसे भरते हैं, बचपन से फॉर्म भरना तो इंडियंस को अच्छे से आता है। फिर क्या करना है उसके बाद, सेकेंड है कि अपनी बेसिक जो भी है डिटेल्स को एंटर करके आपको ओटीपी आएगा मोबाइल का, अपने ईमेल पर वो साइन अप कराएगा, तो बड़ी नॉर्मल चीज़ तुम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपसे ना आधार की पैन की कॉपी स्कैन करवाएगा, आधार और पैन होना चाहिए, डीमेट अकाउंट चाहिए, इतना तो कर ही होगा तुम्हारे पास। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये कराने के बाद आधार का ओटीपी आएगा, आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है, समझ लेना आपका आधार आपके पैन से जुड़ा होना चाहिए। पहली चीज़ तो पैन और आधार दोनों जुड़े होने चाहिए, समझ में आया? दूसरा, आधार से जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, नहीं है तो जाओ पहले काम कराओ। कई बार पैन कार्ड ही नहीं होगा, भाई सब क्या कर रहे हो तुम, पैन कार्ड नहीं है तुम्हारे पास, जाओ पैन कार्ड लो। आधार बन, आधार तो होगा, आधार होगा, पैन बनवा लो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर आधार को पैन से लिंक करवाओ, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता उसमें, ऑनलाइन भी हो जाता है। और अपना रियल मोबाइल नंबर ही देना जो एक्टिव हो। कई लोग डर के मारे, नहीं नहीं आधार में पता नहीं डेटा चला जाएगा, अरे मोबाइल नहीं दो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओटीपी से वेरिफिकेशन वहीं से होगा। अगर आपका आधार से मोबाइल अटैच नहीं है तो गया किसी काम का नहीं है, वो जाके पहले उसमें सही करवाओ, उसको सही हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। आधार सेंटर पे जाओ, वो सही कर देगा, अब ऑनलाइन भी कर सकते हो। फिर उसमें 48 से 72 घंटे लगते हैं एक्टिवेट होने में, इतना टाइम लेगा वो। फिर आपको वो क्या यूज़र आईडी पासवर्ड देगा, वो ऐप में डालो यूज़र आईडी, फिर डालो पासवर्ड, मेरा भी है, ठीक है, तो वह ऐसे ही है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। और अगर आपको, देखो मैं ये बता देता हूँ, मेरा जीरोधा में अकाउंट है लेकिन जीरोधा पैसा लेता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लेता है। अब आपके पास दो चॉइसेस और हैं, मैं दो चॉइसेस आपको दे रहा हूँ। अपस्टॉक्स, अपस्टॉक्स एक ऐसी कंपनी जिसमें रतन टाटा जी ने पैसा लगा रखा है, और ये सेकेंड लीडिंग कंपनी है आफ्टर जीरोधा, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। और वैसे एक और बात बता देता हूँ, कल को लगे हम जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर एंजल्स इनमें क्यों कराएं, तो आप चिंता मत करो, जो शेयर आप खरीदते हो वो शेयर ये नहीं रखते, आप ये मत सोचिए बिचौलिए हैं, ये आपके लिए घर बैठे आपको शेयर खरीद के देंगे। पर जब आप शेयर खरीद लोगे तो एक डिपॉजिटरी होता है, जिसको बोलते हैं CDSL, एक और होता है, दो है, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आए, उनके पास डिपॉजिट रहते हैं आपके शेयर। बाय द वे CDSL भी एक कंपनी है जो लिस्टेड है, उसके इसका शेयर 200 रुपए में मिल रहा था, आज वो 900 रुपए का हो गया, तो वहां पर डिपॉजिट रहते हैं आपके शेयर। तो आपको चिंता नहीं करना, कल को मान लो आपको हाई जीरोधा भाग गया तो, हाई अपस्टॉक भाग गया तो, हाई एंजल भाग गया, कुछ नहीं, नो टेंशन। वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, मतलब यू कैन से कि CDSL और RDSL ऐसा कुछ है, CDSL मेरे तो CDSL में, एक RDSL भी होता है, RDGL होता है ऐसा कुछ, तो उनमें आपके डिपॉजिट रहते हैं आपके शेयर, समझ रहे हो? तो आपको चिंता नहीं करना कि हमारे पैसे कहां जाएंगे, चिंता मत करो, वो शेयर आप ही के नाम रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो। मजे की बात, आप अपना डीमेट अकाउंट कभी भी चेंज भी कर सकते हो। मान लो आपको अपस्टॉक्स कहीं चला गया, या आपको फ्री ट्रेडिंग करनी है, कहीं कुछ हो गया, एंजल को कुछ हो गया, जीरोधा कुछ हो गया, आप अपना डीमेट अकाउंट चेंज कर लो, गवर्नमेंट ये सुविधा भी देती है, आपका शेयर कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट बहुत सजग है। तो अपस्टॉक्स या फिर आप एंजल्स,
इन दोनों में घुसा सकते हो। मैं आपको अपस्टॉक्स प्रीफर करूंगा क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है, टाटा, रतन टाटा जी ने इसमें पैसे लगा रखे हैं, तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एंजल एट द टाइम ये भी बहुत अच्छी है, आप इसमें भी लगा सकते हो। जीरोधा भी अच्छी है, आप जीरोधा में भी खुला सकते हो, लेकिन जीरोधा में थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं, एंजल में तो जीरो रुपए में हो जाता है। तो अगर जीरो रुपए में खुलाना है तो आप एंजल्स में चले जाओ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस या तो जीरोधा या अपस्टॉक्स है। अपस्टॉक्स बहुत अच्छी है, चाहे आपका 100-200 रुपए ले लेगा लेकिन आपको सुविधाएं बहुत अच्छी देगा, तो पर आपकी मर्जी है। इफ़ यू वॉन्ट आपके पास 500 रुपए हैं तो जीरोधा में खुला लो, 200 रुपए हैं तो अपस्टॉक्स में खुला लो, अगर नहीं देना चाहते कुछ भी एंजल में खुला लो। सब डीमेट अकाउंट है, सबसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सबकी सुविधाएं अच्छी, कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और भी हैं जिसमें आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको अपस्टॉक्स में या फिर एंजल्स में खुलाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्लिक करो फटाफट से खुल जाएगा। आज रात को सारी की फॉर्मेलिटी खत्म कर लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं।